Today I want to talk about GI, that is glycemic index. So GI is important for because if we know what is GI, that will help us plan our diet, which in turn can help us plan and control three crucial things. First and foremost, our blood sugar levels. Second, our weight gain. And third, cardiovascular diseases. And these are all our today's lifestyle diseases. Okay so why should you know about gi first and foremost because if you know of वॉट इज़ जी आई ग्लाइसैमिक इंडेक्स ऑफ एनी फूड आप अपनी डाइट खुद ही बना सकते हैं अनलसेंटेड आपको कोई क्रिटिकल हेल्थ इशूज़ हैं या आप ओ बेज हैं या कोई भी प्रॉब्लम है जिस जो जिसके लिए आपको बहुत ही स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है बट एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जी आई की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट दिस नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी बॉडी बट अगर आपको नॉर्मल अपना डाइट प्लान करना है विद द नॉलेज ऑफ जी आई डे टू डे बेसिस पे आप प्लान कर सकते हो कि आपको क्या खाना है कितना खाना है कैसे खाना है सो इट हेल्प्स इन थ्री वेज फर्स्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे शूट करते हैं कैसे कंट्रोल करेंगे आप सेकेंड थिंग इज योर वेट मैनेजमेंट सो हाउ डू यू कंट्रोल योर वेट ऑल द इट इट वर्कस ओनली इन द शॉर्ट टर्म वेट मैनेजमेंट नॉट एनली इन लॉन्ग टर्म बिकॉज दट्स वेयर योर कम्प्लीट डाइट एंड लाइफ स्टाइल लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स मे प्ले अ रोल एंड द थर्ड थिंग इज रिड्यूज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स सो अ गुड वेल कंट्रोल्ड या डाइट कैन हेल्प यू रिड्यूज़ योर बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज़ लाइक एल डी एल जो आप देख सकते हैं अपनी रेगुलर यू नो हेल्थ चेक जब आप कराते हैं एल डी एल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है विच इन टर्न हेल्प्स यू इम्प्रूव योर कार्डियो वेस्कुलर हेल्थ सो व्हाट आर कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस प्राइमरली यू कैन से थिंग्स रिलेटेड टू योर हार्ट सबसे पहले हम समझते हैं कि वाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज बेसिकली द वैल्यू इट्स अ मेजर विच हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आपका कोई भी खाना खाने से आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना स्पाइक करता है नाव इसको हमने थ्री रेंजेस में रखा है मीडियम लो एंड हाई हाउ इट हैज़ बिन कैलुलेट ये बेंचमार्क बना कैसे लेट्स से आपका अगर प्योर ग्लूकोज़ कन्ज्यूम किया उस ग्लूकोज को कंज्यूम करके आपका जी आई अगर हंड्रेड पहुँचता है तो उसके कंपेरिजन में डिफरेंट फूड्स कौन सा फ़ूड कितने रेंज आपकी ग्लूकोज uh, लेवल की बढ़ाता है सो so, कोई फ़ूड कंज्यूम करने में अगर आपका जो ग्लूकोज uh, लेवल है वो फिफ्टी फाइव तक पहुँचता है मैक्सिमम विच मीन ज़ीरो से फिफ्टी फाइव लेट्स या वन से फिफ्टी फाइव वॉट एवर देन दैट कम्स अंडर लो जी आई 56 से 69 कम्स अंडर मीडियम जी आई एंड सेवेंटी एंड अफर्ड्स कम अंडर हाई जी आई जितना कम हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा या जी आई होगा उतना ही स्लो हमारी बॉडी में शुगर का स्पाइक पड़ेगा अगर हम डाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं काब्स एंड प्रोटीन्स तो जी आई इज प्राइमरली बीन मेजर्ड फॉर काब्स ओनली क्योंकि काब्स ही मोस्टली शुगर स्पाइक देते हैं प्रोटीन्स के जो शुगर स्पाइक है वो बहुत uh, ही स्लो स्टडी कंसिस्टेंट है बट मेजर कॉर्पोरेट्स यू कैन से काब्स ही हैं अगर आप देखेंगे तो हर आदमी हाई प्रोटीन डाइट एंड लो काब्स की बात करता रहता है सो so, जीआई जो है वो सारे काब्स में ही है सो सो वट आर काप्स काब्स बेसिकली हमारे सारे खाने में काप्स हैं मोस्टली चाहे वो ब्रेड और रोटी हो चाहे दूध दही पनीर हो चाहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो हर खाने में हमारे काप्स हैं मोस्टली नाउ इस काप का जो मेजर है जब हमारा हम लोग खाना खाते हैं तो दिस फूड दिस काप्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड दे गेट इनटू आ ब्लड स्ट्रीम एंड दैट्स हाउ द शुगर स्पाइक लेवल्स हैपन सो जो जितना uh, कम शुगर लेवल्स को एक सर्टेन पीरियड में रिलीज करता है उसका जीआई उतना ही कम होता है अच्छा अब एक बात और समझते हैं कि जितना भी रिफाइंड खाना होगा जैसे कि रिफाइंड आटा जैसे कि यू नो रिफाइंड शुगर uh, ब्रेड्स एंड ऑल जितना भी रिफाइंड खाना होगा वो उतना ही जल्दी हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक देता है और जितना भी अनरिफाइंड खाना है जितना भी प्रोटीन है इवन फैट्स ये हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक्स जल्दी नहीं देते इसीलिए जिस भी खाने में ज़्यादा फैट होगा प्रोटीन होगा या फाइबर होगा उसका जो जी इंडेक्स है वो कम होगा ओके okay, अगर आप देखें कई फूड्स हैं जिनको जीआई आई ऐसाइन ही नहीं किया गया है जैसे फिश पोल्ट्री एग्स नट्स सर्टेन टाइप्स ऑफ नट्स एंड ऑल दे हैव नॉट बिन असाइंड जी आई बिकॉज दे आर नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अब मान लीजिए आपने कोई खाना लिया और उस खाने को आपने कुक किया तो उसका जो जी आई लेवल है वो चेंज हो जाएगा कोई खाना है जो जितना पक जाता है उसका जी आई लेवल उतना बढ़ जाता है तो पका हुआ जैसे अगर आपने एक पपाया लिया आप कच्चा पपाया है जो सब्ज़ी के लिए यूज़ उस करेंगे उसका जीआई लेवल कम होगा इन इन कंपैरिजन टू पके हुए पपीते से सेम गोज़ फॉर लेट्स से बनाना सेम इवन गोज़ फॉर सम अदर फ्रूट्स एज वेल अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जब आप खाने को बनाते हैं उबालते हैं बेक करते हैं तो उसका जीआई मोस्टली बढ़ जाता है लेकिन जब आप उससे फ्राई करते हैं तो जीआई नहीं बढ़ता जल्दी क्योंकि उसमें फ़ैट आके मिक्स हो जाता है और जैसे ही फ़ैट आता है तो यू नो फैट बेसिकली यू कैन से उस एंड रिजल्टेंट प्रोडक्ट का फूड आइटम का जो जी इंडेक्स है उसे घटा देता है बट दैट डज नॉट मीन कि वी कैन गो फॉर फ्राइड स्टफ़ इट्स जस्ट यू नो हाउ द साइंस वर्क बिकॉज़ फ्राइड स्टफ़ हैज़ डिफरेंट इश्यूज लाइक ट्रांसफैट्स अब ये तो हो गया ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट विदाउट विच जी आई का जो कॉन्सेप्ट है वो इनकम्प्लीट है दैट इज ग्लाइसेमिक लोड नाउ वॉट इज ग्लाइसेमिक लोड अब ग्लाइसेमिक लोड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फूड दैट यू ईट विच मीन्स कि पहले आपने जी आई लिया अब मान लीजिए शुगर है शुगर का जी जी आई बहुत ज़्यादा है बट यू नो कि आप शुगर हाफ स्पून लेते हो मे बी क्वार्टर स्पून लेते हो और जो हाई इन टेकर्स हैं वो लेट्स वन स्पून ऑफ शुगर ले लेते हैं अगर हम मान लीजिए एक कप चाय की बात करते हैं बट वॉट मैटर्स इज कि वाट इज़ द क्वान्टिटी दैट यू आर टेकिंग हाउ मच फॉर एग्जाम्पल लेट्स ए राइस हाउ मच राइस यू आर टेकिंग सो क्वान्टिटी ऑफ राइस मल्टीप्लाइड बाई द द जी आई इंडेक्स ऑफ राइस ना जैसे जी आई की हमने रेंज बनाई हुई है लो मीडियम एंड हाई विच इज़ अप टू फिफ्टी फाइव अप टू सिक्सटी नाइन एंड देन अप टू हंड्रेड वैसे ही ग्लाइसैमिक लोड की भी तीन कैटेगरीज में रेंज बनाई नाउ ग्लाइसैमिक लोड की जो रेंज है वो है अप टू टेन विच इज लो नाउ इलेवन टू नाइनटीन इज मीडियम एंड ट्वेंटी एंड मोर इज़ हाई नॉर्मली इट इज सेड दैट की अ नॉर्मल ह्यूमन बींग यू नो शुड नॉट कंज्यूम मोर देन हंड्रेड टोटल ऑफ हंड्रेड पॉइंट्स ऑफ ग्लाइसेमिक लोड इन अ डे एंड योर ईच मील लेट्स से अगर आप तीन मील एक दिन में खाते हैं तीन प्राइमरी मील खाते हैं तो आपका एवरेज एक मील का जो जी एल है और ग्लाइसेमिक लोड है वो ट्वेंटी पॉइंट्स तक होना चाहिए ताकि तीन मील का सिक्सटी पॉइंट्स पे हो जाए दो आप बार आप दिन में चाय लेते हैं एक बार इवनिंग में स्नैक लेते हैं सब मिला जुला के क्लोज टू लेट्स से हंड्रेड का लोड आपका पहुँच जाएगा लेट्स अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बिट मोर ग्लाइसेमिक लोड में लेट से आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं एक पराँठा आलू का या दो पराँठे आलू के एक बॉल ऑफ दही एक कप चाय विद शुगर वॉट यू हैव टू डू ए सिंपली कैलकुलेट कि आलू का जो पराँठा है जो कि घी का पराँठा है नॉर्मल ट्रेडिशनल इंडियन आलू पराठा उसका जी आई कितना है और एक पराठे का यू you नो know, आपको ग्लाइसेमिक लोड भी पता चल जाएगा किस साइज़ के पराठे का है सिमिलरली वैसे ही एक बाउल दही आपने कौन सा दही लिया घर का होममेड दही है जो कि जिसका कि यू नो मक्खन मलाई निकला हुआ है मलाई निकले हुए दूध का दही है या अमिन I mean, टोन मिल का है थोड़ा सा आपको शुरू में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बट इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू टेक यू फाइव टू टेन मिनट्स अगर आप बेसिक गूगल सर्च करेंगे ईच फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जानने के लिए क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट गोइंग वेरी स्पेसिफिक यू जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू विल सी कि मोस्ट फूड एंड मोस्ट आइटम दैट वी ईट वी आर विद इन आर क्लाइसैमिक रेंज अनलेंटिल हमारी डाइट थोड़ी ज़्यादा ख़राब साइड पर है या हम लोग का डाइट थोड़ा ज़्यादा है या हमारी डाइट कुछ जरूर ज़्यादा ही कम है दोज आर द एक्सेप्शन बट एक नॉर्मल इंडियन डाइट हो या यू नो मोस्ट इंडियन डाइट इज वेरी मच विद इन दिस रेंज बट दिंग इज कि दिस रेंज मोस्ट ऑफ टाइम वैन इट गोस आउट ऑफ रेंज एंड विद द सीरेंट्री लाइफ स्टाइल दैट वी हैव इट इट बेसिकली एड्स टू यू नो कॉन्ट्रीब्यूट टू वेट गेन बिकॉज कई ओकेजन पे कई टाइम्स पर हम लोग इस इंडेक्स को भूल जाते हैं एंड वी जस्ट गो आउट ऑफ द रेंज सो नाओ इसीलिए अब जो मैं तीन टेक्नीक बना बताने वाला हूँ दीज आर द्री टेक्नीस दैट आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू बी इन कंट्रोल ऑफ योर ग्लाइसैमिक लोड ओके सो दीज आर द थ्री सिम्पल ट्रिक्स दैट हैव बिन टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा हम क्या कंज्यूम करते हैं मोस्टली अपनी राइट में Uh, आटा या चावल या दाल या रोटी या ब्रेड सो so, अगर आप का जो आटा है उसको आप नॉर्मल गेहूँ आटे से कन्वर्ट करके मल्टीग्रेन में कन्वर्ट शिफ्ट हो जाए दैट टू उसका जो uh, गेहूँ का पार्ट है शुड नॉट बी रिफाइंड एट ऑल शुड बी पूरा चोकर वाला आटा अलोंग विद यू नो पार्ट ऑफ ओट अ पार्ट ऑफ सोयाबीन अ पार्ट ऑफ बेसन यू नो वेरियस वट एवर इज़ योर चॉइस एंड लाइक बहुत सारे तरह के मल्टीग्रेन आटे मिलते हैं सो यू कैन चूज़ वन आटे को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीग्रेन आटे में सेकेंड थिंग राइस अगर हम वाइट राइस लेते हैं तो उसको हम डेफिनेटली कन्वर्ट करते हैं ब्राउन राइस में बिकॉज नॉट ओनली उसमें ज़्यादा फाइबर होता है विच हेल्प्स रिड्यूस द जी आई उसके अंदर थोड़े से मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं एंड थर्ड थिंग इज़ योर ब्रेड्स जो मार्केट में ब्रेड हमारे यहाँ आती है हम लोग वाइट ब्रेड लेते हैं कुछ लोग उसको ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं कुछ लोग मल्टी ग्रेन ब्रेड ले लेते हैं टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज ब्रेड्स आर ऑलमोस्ट सेम मे बी माइन्यूट परसेंटेज ऑफ डिफरेंस आई एम अबाउट कमर्शियल ब्रेड्स जो नॉर्मल uh, चलती हैं यू नो जो सो हर घर में ब्रेड आती है लेकिन अगर आप इसी ब्रेड को शिफ्ट करके साठ दो ब्रेड कर लेंगे अगर आपके घर में अवन है यू कैन जस्ट गो टू गूगल एंड चेक द रेसिपी ऑफ हाउ टू मेक साडो ब्रेड बहुत सारे लोगों ने साडो ब्रेड अपने घर में बनानी शुरू भी कर दी है इनफैक्ट हमारे घर में भी कभी कभी बनती है समटाइम्स वी गेट इट फ्रॉम मार्केट इट्स रिल डिफिकल्ट टू गेट इट फ्रॉम मार्केट बट मार्केट में साडो ब्रेड इज डेफिनेटली वे टू मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर ब्रेड बट अगर आप ब्रेड ईट हैं सो इट इज रिकमेंडेड हाईली रिकमेंडेड इन फैक्ट आप वाइट ब्रेड और रेगुलर कमर्शियल ब्रेड को छोड़ के मूव टुवर्ड्स अटो ब्रेड सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इसमें ओनली थिंग विच आई थिंक जिसमें कॉस्ट को अगर हम देखें जो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा वो है ब्रेड बट राइस एंड आटे को चेंज करना इज डेफिनेटली नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव थिंग नॉ सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज इवन मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड बट प्रवली लिटिल डिफ़िकल्ट टू अडोप्ट दैट इज़ गोइंग नैचुरल फर योर फूड च्इसेस जितना भी आपके घर में फूड पैक्ड फूड प्रोडक्ट है यू you नो know, सब लोग बात करते हैं कि हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ बट आप ये समझ लीजिए चाहे वो बिस्किट हैं चाहे नमकीन है चाहे, चाहे चिप्स है चाहे मैंने ब्रेड की बात कर ली चाहे जो भी फूड आइटम हैं जितने भी हमारे फूड आइटम्स हैं जो कि नेचुरल सोर्स से नहीं आते हैं रिफाइंड हैं पैक्ड हैं प्रोसेस्ड uh, हैं वो सब हमारे जीआई को इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस आई मीन आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट फूड मोस्ट ऑफ़ द केसेस वो जीआई में उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू है वो ज़्यादा है नाउ थर्ड थिंग इज़ जो कि मुझे मेरी मदर ने कई बार बचपन में बोली और उनको उनके फादर ने बोली वो If I am not wrong, I a reference that because I think that's where the real magic is. We mostly overeat, and even if we are not overeating, if we eat little less than what we feel is our hunger or appetite, it's definitely. हेल्थियर इवन इसके ऊपर अभी बहुत ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इसके ऊपर बहुत रिसर्च और साइंस हो चुकी है बट द थिंग इज़ कि अगर आप ये तीसरी चीज भी इम्प्लीमेंट करेंगे यू आर श्योर श्योर to be in control of your glycemic index now this is a very generic talk it is not a medical talk it is my idea of doing this video is कि मैं आपके साथ is थॉट को कॉन्सेप्ट को शेयर कर सकूं और इसको थोड़ा डिटेल और सिम्प्लिसिटी और क्लैरिटी के साथ बता सकूं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। आई विल बी ट्राइंग टू कम विद मोर एंड मोर सच इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज विच कैन हेल्प यू कीप अ बेटर हेल्थ थैंक यू एंड सी यू सून बाय बाय